नमस्कार दोस्तों, नवोदय क्रांति में आपका स्वागत है। सुमेधा कटारिया डीसी कुरुक्षेत्र की एक नई और शानदार पहल, जिले के सभी सरकारी शिक्षकों के संग मनाई लोहड़ी और सक्षम जिला बनाने के लिए किया मोटिवेट। सुमेधा कटारिया जी बहुत ही एक अलग किस्म की अधिकारी हैं और उन्होंने बहुत बेहतरीन शुरुआत की है कि इस अवसर पर सभी जिला शिक्षा अधिकारी भी और अध्यापक अध्यापिकाएँ उपस्थित रहे और सबसे सहयोग की अपेक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि ये हम सब का दायित्व है, ये मेरा कार्य नहीं है, ये आपका कार्य नहीं है, हम सब का कार्य है। और एक प्रेरणा देते हुए, अध्यापकों को प्रेरित करते हुए उन्होंने अध्यापकों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया और ये तरीका बेहद कारगर हुआ, क्योंकि यहाँ से हमने अध्यापकों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से अगर अधिकारी काम करवाएंगे तो बेहतर परिणाम आएंगे। तो आइए सुनते हैं सुमेधा कटारिया जी। त्योहार के दिन, छुट्टियों के मध्य आपको यहाँ पे आमंत्रित करके रूबरू होकर के कुछ 30 को साझा करने की बात है, कुछ सपनों को साझा करने की बात है, चुनौतियों को बांटने का जज्बा लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं एक टारगेट के रूप में देने आई हूँ। नमिता जी क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं कोई टारगेट देने नहीं आई हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये टारगेट हमारा अपने आप ही नहीं है। आई हैव नॉट कम टू इम्पोज समथिंग ऑन यू फ्रॉम आउटसाइड, एब्सोल्यूटली नो। व्यक्तिगत रूप से हम सब सर्वश्रेष्ठ करना चाहते हैं। व्यक्तिगत रूप से हम अपने सामने निर्धारित भी कर लेते हैं कि हमने कहाँ जाना है, कितने मील दूर जाना है। निजी रूप से एक क्लास में 30 बच्चे हों, 50 बच्चे हों, उनका आकलन एक टीचर के पास जितना होता है उतना शायद माँ के पास नहीं होता एक परिवार में, कि उनके बच्चे के किस तरह से ग्रेडिंग की जाती है। निजी रूप से हर एक टीचर उस आस्था को रखता है, उस कर्मठता को भी रखता है, उस जज्बे को रखता है कि उसने सर्वश्रेष्ठ देना है अपना। जहां हम सब इस जज्बे को रखते हैं तो वो फलीभूत होकर के भी निकल करके आए, वो उस उत्तरदायित्व की भावना की बात करने के लिए आए हैं जो मूल रूप से वी ओ इट टू द सोसाइटी। ये वी ओ इट टू द पीपल, वी ओ इट टू द गवर्नमेंट ऑल्सो, we owe it to our children also। सिर्फ इतनी सी ही बात है कि आप में से, हम में से एक एक जना इस उत्तरदायित्व को अपना मान ले, निजी मान ले, बस वो एक सो एंड सो अध्यापक, सो एंड सो का नहीं है, वो जो भी आपका नाम है निजी दायित्व आप आज मान लेंगे तो मेरे को तो इस बात का भी शक नहीं है, मुझे किसी 28 फरवरी की वेट करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे भी थे, हमारा जितना भी आईक्यू था, हमारा जितना भी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस था, हम सबको हमारे टीचर्स ने बनाया, तो आज हम सक्षम होकर के इस लायक हैं कि अपना योगदान समाज में दे सकें, हम अपने पांव पे खड़े होने के लायक हो गए। आज हमें उसी तरह के दायित्व को समझने की जरूरत है। दैट इज ऑल, ओनली विद दैट सेंस ऑफ ओनरशिप वी कैन टेक अवर टास्क फॉरवर्ड। के हर ओहदा, हर शोबे में हर ओहदा एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, उस अवसर को नहीं खोना है।
सचमुच मुझे थोड़ी सी कभी कभी जल्दी भी मची रहती है कि ये भी कर लिया जाए, वो भी कर लिया जाए, क्योंकि ये एक अवसर है टू पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अपना सर्वश्रेष्ठ देने का अवसर। अगर हम सब ये सोचने लगे तो कौन सा ऐसा काम है साथियों जो हम नहीं कर सकते? कोई है ऐसा काम? क्या मेरी क्लास के 30 बच्चे या 50 बच्चे, क्या वो इतनी बड़ी चुनौती बन गए कि मैं वो कर नहीं सकती? मैं इतना ही कह सकती हूं कि हम सब लोग, वी आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली विच इज सिटिंग हियर, वी ऑल आर टुगेदर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पीछे इन्हीं सक्षम की मीटिंग्स के दौरान मुझे शाहबाद बबैन जाने का मौका मिला, तो वो लोग जुटे हुए हैं इस कार्यक्रम में जिनका ये मूल काम नहीं है, लेकिन वो जुट गए हैं। एक अच्छी भावना बड़ी इन्फेक्शियस होती है। कोई ठोल का राकेश है और कोई डंगाला का जसबीर है, कोई मुगल माजरा का रंजीत है, उनका मूल काम नहीं है ये, लेकिन वो अपने जैसे कमिटमेंट, कमिटमेंट क्या होती है, कटिबद्धता क्या होती है, कमिटमेंट इज डूइंग नॉट व्हाट यू हैव टू डू, जो आपको करना पड़े वो कमिटमेंट नहीं होते, जो आप दिल से महसूस करके करना चाहें वो कमिटमेंट है। लेट अस ऑल पुट अवर हेड्स टुगेदर, लेट अस पुट ऑल अवर फीट टुगेदर एंड गो अहेड विद दैट कमिटमेंट, कमिटमेंट टू अवर ओन चिल्ड्रन, कमिटमेंट टू अवर ओन स्कूल, कमिटमेंट टू अवर ओन डिस्ट्रिक्ट एंड कमिटमेंट टू हिम जिसने इस लायक बनाया है कि हम सर उठा करके चल सकें और डर के बिना चल सके। इसी दृष्टिकोण से मैं आपके साथ ये संबोधित हूं आज, क्योंकि अगर मेरा पांचवी का बच्चा पांचवी के लायक नहीं है तो उसके लिए शिक्षा कैसे वो माध्यम बनेगा जो माध्यम हमारे लिए बनके हमें ट्रांसफॉर्मेशन के एजेंट्स के रूप में प्रस्तुत कर गया कि बदलाव ला सकते हैं। अगर मेरा सातवीं का बच्चा उस लायक नहीं है कि वो सातवीं का वो उस क्षमता को प्राप्त कर सके तो वो कैसे अपने दायित्व को संभालेगा, उसके लिए कैसे शिक्षा एक टूल बनेगा, एक हथियार बनेगा कि वो उन्नति के मार्ग पे अपने समाज को चला सके, अपने परिवार को आगे बढ़ा सके, अपने पांव की जमीन को वो खोज सके, पा सके। ये बस अब अपनी अहमियत को समझ जाइए, बस इतना सा आग्रह करने के लिए मैं आपके सामने आई। Not as a group, as an individual, all that you are capable of doing, all that you are capable of performing, we only have to apprehend that, we only have to understand that, we only have to feel that. आप सब गुरु साहब के 1,25,000 से एक लड़ाऊं वाली जो बात करते हैं ना, आप वो हैं। आप सब में कहीं वो हनुमान की शक्ति निहित है जिसका आपको पता नहीं है। इस समय में उस शक्ति को जगाने की जरूरत है। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि 28 फरवरी तक ही ये हो। यू हैव बीन डूइंग इट, यू ओनली हैव टू अंडरस्टैंड, यू ओनली हैव टू चेंज अ बिट योर पर्सपेक्टिव ऑफ डूइंग थिंग्स। क्या आप अपना थोड़ा सा दृष्टिकोण, उस दृष्टिकोण से अगर आप ये ले लेंगे ना कि ये मुझे पहाड़ लेकर के आना है इस व्याधि का इलाज करने के लिए, तो आप बिल्कुल ले आएंगे। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। देयर इज समथिंग अबाउट ऑल ऑफ यू व्हिच मेक्स मी वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे सचमुच, मैं बड़ी बड़ी जो चुनौतियां आती हैं मैं बिल्कुल आराम से उनको स्वीकार कर लेती हूँ कि मुझे कहीं आप सबके साथ का एहसास है। एक उर्दू में एक शेर भी है कि
पूरे कद से खड़ा हूं मैं, तो यह है तेरा कर्म। सचमुच मैं आपको बिल्कुल ये स्वीकार करती हूं, मैं पूरे कद से खड़ा हूं मैं, तो यह तेरा कर्म कि मुझे झुकने नहीं देता है सहारा। जहां आप जैसे कर्मठ लोग हमारे साथ होंगे, हम क्यों झुकेंगे? हम सर उठा करके चलेंगे। इस दृष्टिकोण से सक्षम के टारगेट, सक्षम के कार्य प्रणाली, वो सब आप सबकी नॉलेज में है। लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम की बात करें, चाहे 493 प्राइमरी स्कूल्स को लेकर के, या हम 100% ग्रेड लेवल की बात करें, हम अपने बच्चों को किस लायक बनाएंगे जिस दिन आप उसमें, और आप देखते हैं कहीं अपने बच्चे को भी अपनी क्लास, बस उसको समझ भी लीजिए, देखते तो आप हो, उस हर बच्चे को कहीं अपना भी मान लीजिए, तो उसको तो